रोज की हर एक खबर 24 घंटे सातों दिन सिर्फ eNewsMP.com पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं eNewsMP और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे। और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। सीधी जिले में स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय निर्माण के नाम पर व्यय की राशि करोड़ों की राशि कचरे में तब्दील हो गई। जमीनी हकीकत देखी जाए तो सरकार की इस राशि को वेंडर और सरकारी मातहतों ने मिलकर बंदरबांट कर डाला। आपको बता दें, गांव के सरपंच और सचिव ने मिलकर ऐसे शौचालय का निर्माण करवाया है कि उसमें हितग्राही शौच के लिए जा ही नहीं सकता। कारण कि गुणवत्ताहीन कराए गए अधिकांश शौचालयों का निर्माण आज ध्वस्त हो चुके हैं। मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री नरोत्तम मिश्रा द्वारा नए साल की आगाज में गरीबों को कंबल का वितरण किया गया। दो दिवसीय दतिया प्रवास पर पहुंचे नरोत्तम ने करीब 2000 जरूरतमंद महिलाओं को कंबल का वितरण किया। बता दें कि मंत्री नरोत्तम मिश्रा पिछले एक दशक से दतिया में कंबल वितरित करते आ रहे हैं। विंध्य क्षेत्र के अनूपपुर संयुक्त कलेक्ट्रेट कार्यालय में कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त नर्मदा सभागार का शुभारंभ किया। सभागार की मरम्मत कर आधुनिक सेवाओं से सुसज्जित करने का कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा किया गया। उल्लेखनीय है कि संयुक्त कलेक्ट्रेट कार्यालय में स्थित दोनों सभागारों का नवीनीकरण कर उनके नाम क्षेत्र की जीवनदायिनी नदियों के नाम पर रखे गए हैं। मुख्य सभागार का नाम नर्मदा सभागार और प्रथम तल पर स्थित सभागार का नाम सोन सभागार रखा गया है। विंध्य क्षेत्र के सतना में आज एक बाइक जलकर खाक हो गई है। घटना का दृश्य बड़ा आश्चर्य दिखाई दे रहा है। सतना पुरानी झंकार टॉकीज के नाम की ये घटना बताई जा रही है। इस घटना की पुलिस जांच कर रही है। जिस दुकान के सामने बाइक खड़ी थी वह दुकान बंद थी। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लगाई जा रही अटकलों पर विराम लग गया है। रविवार को शिवराज अपने गढ़ का विस्तार करेंगे। मंत्रिमंडल में किसे जगह मिलेगी ये तय हो गया है, लेकिन अब तक नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि अब की बार भी विंध्य और महाकौशल को मायूसी हाथ लगेगी। मंत्रिमंडल विस्तार में महाराजा के गणों को स्थान मिलना तय माना जा रहा है। बहरहाल ये भी कयास लगाया जा रहा है कि राजनीति में कब बाजी पलट जाए ये कह पाना मुश्किल है। बता दें कि रीवा में भाजपा के 8 विधायक, सीधी में 3 और सिंगरौली में 3 भाजपा के विधायक हैं। सिहावल का एक ऐसा विधानसभा था जहां कांग्रेस से कमलेश्वर पटेल विधायक चुने गए थे और कांग्रेस सरकार में पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्रालय सौंपा गया था। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरने के बाद भाजपा विधायकों ने मंत्रिमंडल में स्थान मिलने को लेकर तमाम दावेदारी करते रहे हैं। शिवराज के पहले मंत्रिमंडल में कुछ विधायकों को मंत्री बनाया गया। इसके बाद माना जा रहा था कि उपचुनाव के बाद लंबा चौड़ा मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। विंध्य में हमेशा मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर विधायक दावेदारी करते रहते हैं। दावेदारी प्रदेश स्तर से लेकर केंद्र स्तर के नेताओं के बीच भी पहुंच चुकी है। इसी गहमा गहमी के बीच नेताओं ने अपनी बात को मनवाने का प्रयास भी किया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए eNewsMP। नमस्कार। प्रदेश की हर एक खबर 24 घंटे सातों दिन सिर्फ eNewsMP.com पर।